आप सबको नमस्कार। मैं रंजन smartfinancein.com से ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूं। इस प्रेजेंटेशन में मैं आप लोगों को WD ज्ञान का 5 पावरफुल टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा, जिसको यूज करके आप सही मायने में प्रॉफिट कमा सकते हो। ये 5 टेक्निक्स WD ज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है एंड बहुत पावरफुल टेक्निक है, बहुत इजी टेक्निक भी है। पहला प्रिंसिपल, बाई एट की सपोर्ट लेवल, एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल में आपको खरीदना चाहिए। कोई भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से जब गिरता है, अगर वो 180 डिग्री सपोर्ट में आया या 360 डिग्री का सपोर्ट लेवल में आया, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है आपको खरीदने के लिए। एंड ये रिबाउंड का बेस्ट वे है आपको कैच करने के लिए। मान लीजिए स्टॉक्स का ऑल टाइम हाई है एक्स, उसका स्क्वायर रूट लीजिए, उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 180 डिग्री फैक्टर से। 180 डिग्री फैक्टर होता है 1, मीन्स 180 डिवाइडेड बाई 180। 360 डिग्री का डिग्री फैक्टर होता है 2, देन इसको स्क्वायर लीजिए। जो प्राइस निकलेगा वही प्राइस से अगर आप कोई भी स्टॉक्स को खरीदते हो, ये आपको सबसे बढ़िया मुनाफा देने वाला है। दूसरा रूल, आप अगर ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, हर वक्त आपको ये डायलेमा रहता है, आप कॉल ऑप्शंस में काम करो या पुट ऑप्शंस में काम करो। इंडेक्स का प्राइस जब भी 45 डिग्री रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट देता है, इंट्राडे, वीकली और मंथली लो से, ये सबसे बढ़िया टाइम होता है कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए। ये मोमेंटम को कैपिटलाइज करने के लिए, बड़ा प्रॉफिट के लिए ये सबसे बढ़िया टाइम रहता है। ये 45 डिग्री ब्रेकआउट कैसे निकलेगा, इंट्राडे हो, वीकली हो, मंथली हो, जो भी हो स्टॉक्स का, इंडेक्स का लो, ये लो का स्क्वायर रूट लो, उसके बाद में 45 डिग्री का डिग्री फैक्टर को आप यहाँ पे ऐड करो, उसका डबल मल्टीपल या स्क्वायर लो। जो प्राइस निकलेगा इंडेक्स, जब इसी प्राइस को क्रॉसओवर करेगा, उसी समय में आपको कॉल ऑप्शंस खरीदना है। इसी प्राइस के ऊपर में अगर क्रॉसओवर करता है, वो सबसे बढ़िया टाइम होता है आपको कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए। उसी तरह से इंडेक्स या स्टॉक जब भी अपने हाई से, जो भी वो हाई हो, इंट्राडे हो, पोजिशनल हो, सर या वीकली हो, जो भी हाई है उसका 45 डिग्री का सपोर्ट के नीचे में ये जब आता है, वो सबसे बढ़िया टाइम रहता है पुट ऑप्शंस को खरीदने के लिए। ये दोनों सरल नियम्स है WD ज्ञान का, इसी को अगर आप यूज करोगे तो आपका ऑप्शंस बाइंग का रिजल्ट भी अच्छा बनेगा। ये हुआ नंबर 3 बेस्ट टेक्निक। नंबर 4 का जो बेस्ट टेक्निक है, एनिवर्सरी डे में ट्रेड करना, यानी कि ट्रेड अराउंड एनिवर्सरी डे। ये एनिवर्सरी डे होता क्या है, मान लीजिए पिछले महीने में जो हाई बना, जो लो बना, पिछले महीने में, हम अगर अक्टूबर में बैठे हैं, सितंबर में जो हाई बना, जो लो बना, इनके बीच में कितने दिन का ट्रेडिंग डेज है, मान लीजिए 9 दिन का ट्रेडिंग डेज के अंतराल में ये हाई एंड लो बने, पहले लो भी बन सकता है, बाद में हाई भी बन सकता है, उनके बीच में कितने ट्रेडिंग डेज है। अगर इस महीने में वही ड्यूरेशन का मेंटेन करता है, यानी कि वही 9 डेज का डिफरेंस में एक हाई और लो बन रहा है, तो ये स्टॉक एनिवर्सरी डे को फॉलो कर रहा है, ये है गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बाय दैट स्टॉक। ये है चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट मेथड ऑफ ज्ञान। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वाइब्रेशन नंबर। कोई भी स्टॉक्स का जब भी लो बनेगा, चाहे वो लो आपका इंट्राडे हो, डेली लो हो, वीकली लो हो, मंथली लो हो,
अगर उस लोक का वाइब्रेशन नंबर 13579 यानी कि कोई भी ऑड नंबर होता है तो आपको ये पहचान जाना चाहिए यहीं से रिवर्सल आने वाला है एंड यही जो रिवर्सल होगा इस रिवर्सल या यही प्राइस जो है बहुत बढ़िया रहेगा बाइंग करने के लिए, यानी कि रिवर्सल अभी शुरू होने वाला है। ऑड नंबर का बहुत बड़ा रोल रहता है ज्ञान स्टडीज में। तो ये पांच महत्वपूर्ण चीज अगर आप फॉलो करते हो आपका ट्रेड्स का जो नतीजा निकलेगा वो बहुत बेहतर रहेगा। ज्ञान का ये वाइब्रेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, एनिवर्सरी डेज का क्या मीनिंग है इसको बारीकी से समझना, अलग अलग ट्रेंड रिवर्सल डेट का कैलकुलेशन को सीखना, ये सारे हमारा 34 जो 34 इंट्राडे टेक्निक के साथ में ज्ञान का कोर्स दिया गया है। ये 40 घंटे का कोर्स है। हमारा साइट में जाइए, यहाँ पे प्रोडक्ट सेगमेंट में जाइए, यहाँ से जाके आपको कोर्स के सेगमेंट में ज्ञान के कोर्स देखने के लिए मिलेगा। यहीं से आप ये ऑनलाइन कोर्स को ऑर्डर कर सकते हो। ये फैंटास्टिक मेथड को पढ़ के आप अपना ट्रेड को सक्सेसफुल बना सकते हो। ये जो पांच नियम्स मैंने दिया, बार बार इस वीडियो को देखो, अपने दोस्त लोगों के साथ में शेयर करो एंड यही मेथड को कल से शुरू करके एक हफ्ते के अंदर में आप मुझे बताओ आपके ट्रेड इंप्रूव हुआ या नहीं। ये कैलकुलेशन भी कैसे करना है वो भी मैंने वीडियो में बता दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर टाइम।